ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ সোহੇਲ ਕਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰੀਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਬਣਾਇਆ সোহੇਲ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੜਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 2012 ਚ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ 2012 ਤੋਂ 2015 ਇਹ 3 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਜ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਪੀਸੀ ਦੀ 44 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਬੈਨਾ ਪਿਆ ਐਨਡੀਪੀ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਸੋ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਹੇਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਹੇਲ ਜੀ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ थैंक यू यश जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके आउटरीच कोऑर्डिनेटर राजाबा साहब का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ मेरे ऑफिस आए और सबसे पहले तो आप तमाम हारमोनी सुनने वालों को मेरी तरफ से uh, सत नमस्कार के एम वालेकुम एंड यश जी बिफोर आई स्टार्ट कि मैं मुझे यू uh, नो you know, आज आपका टीवी भी है अखबार भी है एंड आप बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर और पहले मैं थोड़े से आप पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है आपसे मेरी मुलाकात हुई थी हमारी प्रिंटिंग कंपनी पे जिस वक्त आपके अंदर बड़ा डिज़ायर था कि ये नो अपने अखबार एक निकाला फिर उसके बाद दूसरा आपने एक और अखबार निकाला फिर इसी तरह आगे करते करते आपने कम्यूनिटी की इवेंट्स को चीज़ों को और बहुत सारे मुद्दों को उजागर किया तो ऑन बिहाफ़ ऑफ कम्यूनिटी नो वी थैंक यू फॉर योर सर्विसेस बहुत बहुत धन्यवाद सुहेल जी थोड़ा आप अपने जो पॉलिटिकल सफ़र है उसके बारे में जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं देखिए पॉलिटिकल सफ़र तो मैं पॉलिटिकली एक्टिव तो काफ़ी अर्से था आई वॉज पार्ट ऑफ मेरी ऑर्गेनाइजेशन यू नो पिछले 20 साल से जिसे आप कहें तो यू नो आई वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान कैन एसोसिएशन एंड यू नो एंड लॉन्स क्लब रोटरी क्लब्स एंड ब्रेकफास्ट क्लब्स चेंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड कम्यूनिटी लीग सो आई हैव बीन पार्ट ऑफ द पोलिटिकल सर्कल और यू कैन से द पार्ट ऑफ़ द वॉल्टियर स्प्रेड एंड द ब्यूटी अबाउट कैनाडा की जो सबसे अच्छी खूबी है वो ये है कि आप अगर इन तमाम चीज़ों से सीख के आगे आते हैं और उसके अंदर फिर आपके लिए कोई चीज़ ना एलियन नहीं होती और एक एक प्रोसेस है उस एक प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और जब आप उस वॉल्टियर करते हैं और या ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हैं और डिफरेंट कम्यूनिटीज से इंट्रैक्ट करते हैं तो आपको फिर जो जो जशूज़ हैं जो मुद्दे हैं उनको समझ में आती है फिर उसको ले के आप अपना एक प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं तो यही मैंने भी किया और क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो एक यू नो या यहाँ की जो पॉलिटिक्स है बहुत डिफरेंट है और ये हमारी जो टिपिकल पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन नहीं है यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है इज़ अबाउट पॉलिसीज इट अबाउट हाउ टू मेक बेटर लाइफ फॉर एवरी कैनेडियन और सोहेल जी ये बताएं हमारे जो दर्शकों हैं कि चौंतालीस साल देखिए कामयाब रही पी और एकदम जो है डोल ड्राम्स में चलेगी उसको क्या कारण है ऐसे क्यों हुआ देखें होता यह है कि uh, 44 फोर ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट इज़ इज़ बहुत बहुत लंबा समय है यू नो आई डोंट थिंक सो कि इतनी लंबी कोई डिक्टेटरशिप कभी रही हो लेकिन इसका मतलब है कि पीसी सी कुछ सही कर रही थी तो लोग उसको अलग कर रहे थे लेकिन अब क्या हुआ ये सोचने की बात है आपने यू नो इंटरव्यू से पहले आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि सनसनी खेज कस्म से लीडरशिप हुई और सनसनी खेज से उसका एंड हो गया देखिए ये स्टिल इज़ अ लर्निंग करफ और मुझे जो लगता है जो मेरी अपनी कैपेसिटी में मैं सोच सकता हूँ ये है कि हुआ ये है कि लोगों को चेंज चाहिए था हुँ? और यूजली uh, अगर आप देखें जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो कभी भी ना वो दे डोंट वोट पीपल इन दे वोट पीपुल आउट तो पीसी के साथ ये हुआ और मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी पीसी के साथ जो ना होती तो बेहतर रहता और एक एक कहावत है ना कि जो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो गया था और अर्ली इलेक्शन उसका एक बहुत बड़ा सबब है और क्योंकि एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड था एंड आई थिंक लोगों को चेंज चाहिए था लोग समझते थे कि अगर हम एक हेंटालिटी से हट के एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड लाएंगे उससे क्या होगा तो आई थिंक पीपल हैव वोटड हम आप और हम हम सब जो है हम डेमोक्रेसी को बहुत पसंद करते हैं वी लिव ब्रथ डेमोक्रेसी तो वी एक्सेप्ट दैट रिजल्ट जो लोगों की जनता ने जो चाह लेकिन अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं क्योंकि एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है अलबरटा के अंदर और इस टाइम के अंदर जो पॉलिसीज़ होती हैं जिस स्म से आप लोगों को एक एडवांटेज देना चाहते हैं जो अपॉर्चुनिटी होती हैं वो बिजनेसिस के लिए इस वक्त जो है बहुत नेगेटिव uh, चल रही हैं मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके पीछे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहा है आवाम वो ये कहता है खजाने खाली करके निकले और उसके बाद रिसेशन आया तेल का तो पीछे कुछ भी नहीं बचा था ताकि अकानोमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए उसके बारे में क्या कहते हैं आप नहीं ये कम्प्लीटली रॉन्ग फॉल्स एलिगेशन हैं और क्योंकि अगर आप देखें हमारा हेरिटेज फंड वी हैव लेफ्टरिटेज पट ऑलमोस्ट क्लोज टू मोर दैन ट्वेंटी टू बिलियन डॉलर हमारा जो डेफिसिट था टू थाउजेंड फिफ्टीन का अगर आप बजट देखें जो इलेक्शन से पहले हमने टेबल किया था उसके अंदर वन पॉइंट फाइव बिलियन का डेफिसिट था पर उसी के अंदर एक प्लान अटैच था वो ये था कि हाउ वी गैन टू गेट रेड ऑफ दिस डेफिसिट हमारे पास कोई डेफिसिट नहीं था एवरी थिंग वॉज इवन एवरी थिंग हैव जिसे कहना चाहिए ट्रिपल ए हमारी क्रेडिट रेटिंग थी और देखें ना पीसी की गवर्नमेंट हमने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम भी गुजारे हैं जब रेफ़ क्लाइन आया था एट दैट टाइम वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम ही पेड ऑफ ऑल द डेट्स ही लाइक वी वर सेलिंग वेरी फाइन यस कुछ चीज़ें हुई हैं और आई थिंक के हमने उससे लर्न किया है कभी हमने कभी सोचा नहीं हमने उस शिद्दत से उस कोशिश से अपनी इकोनॉमी को डिवर्सिफाइड करने की कोशिश नहीं की यस yes, ऑयल के प्राइस डाउन हुए थे बहुत सारी चीज़ें हुई थी लेकिन आपको बताओ जब ऑयल के प्राइस डाउन है इन्वेस्टर इज़ ऑलरेडी शेकिंग है वाई यू हैव टू रिव्यू द रॉयल्टी रजीम उसके अंदर एक अनसर्टेंसी क्रिएट होती है देखिए रिसेशन आया है पूरे दुनिया भर में आ रहा है हुँ? लेकिन उसको हर गवर्नमेंट कैसे लेके चलती है लेकिन हमारा पड़ोसी प्रॉब्लम्स uh, है दे आर मैनेजिंग इट तो उसके लिए आपको एक अच्छे मैनेजर चाहिए और आपको उसके लिए अच्छे पीपल चाहिए जिनके अंदर थोड़ा सा बिजनेस सेंस हो तो ये एक एक्चुअली राइट नाव जो डेफिसिड है रियल डेफिसिड हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट में जो है वो इन चीज़ों का है देखिए अभी एन डी की सरकार का वजह है अगर उसकी जगह पीसी की सरकार होती तो आप क्या कर दिखाते देखिए अभी अभी हम लोगों को बहुत सारी रिलीफ देते हम विल कीप द अल्बर्टा एडवांटेज अब अल्बर्टा एडवांटेज रहा नहीं आपका जो टैक्स है वो बिल्कुल ही ना आउट इनसेन हो चुका है आप एडिशनल कार्बन टैक्स आपने लिखा कि हर अल्बर्टन को मेरी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक ऑलमोस्ट छः से सात डॉलर एक्स्ट्रा पड़ेगा कार्बन टैक्स अननेसेसरी उसके बाद आपने रॉयल्टी रिज्यूम की एक जो रिव्यू की एक तलवार निकाल दी और वो लटका दी तो जो 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 इन्वेस्टर था वो कहीं और चला गया आप भी देखेंगे मेरे पास एक पैसे हैं मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं अलबा में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अलबा एडवांटेज होता था अब वो मेरे पास नहीं है तो मैं कहीं और जाऊँगा बाय द टाइम आई गो इन्वेस्ट सम यहाँ पर जो अच्छी भी सूरत हाल हो जाएगी तो उसको ट्रांजेक्शन में भी बहुत टाइम लगेगा तो मुझे लगता है कि अगर ये कोई पॉलिसीज़ प्रॉपर पॉलिसीज़ रखते हाँ? तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते थे तो अब जो हम सफ़र कर रहे हैं अभी देखें बाई द दे टाइम यू नो बाई टू बहुत सारे इकॉनमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो डेफिसिट है इट विल बी क्लोज़ टू सिक्सटी बिलियन डॉलर चल मैं मान लेता हूँ आपका डेफिसिट हो सकता है लेकिन मेरा क्वेश्चन है प्रेजेंट गवर्नमेंट से ये नहीं ऐसा नहीं कि मुझे ना देखें कि मैं एक्स एम एल ए हूँ आप मुझे बताएं ऐसे अल्बर्टन कि ये जो सिक्सटी बिलियन डॉलर का डेफिसिट है इसको पे आउट करने का प्लान क्या है चलिए हाँ, टाइम खराब है हम सबके ऊपर टाइम खराब आता है पैसे हमारे पास होते नहीं है वी बारो द मनी वी डू ऑल लेकिन हम एक प्लान बनाते हैं कि हाउ वी गोइंग टू पे ऑफ दिस डेट इनके पास प्लान ही नहीं है पे ऑफ करने का नहीं मगर देखो वेजेस बढ़ी हैं वर्कर्स की वो तो बढ़नी चाहिए सभी की देखिए वेजेस सबकी बढ़नी चाहिए सर जी यही मैं बताऊँ हमारा प्रॉब्लम क्या होती है हम जो कंजर्वेटिव प्रॉब्लम है टू बी विद यू एंड आई एम गोना से वेरी ओपनली हम लोग अपना सेंटेंस कभी फिनिश नहीं करते कंजर्वेटिव की जो सबसे बड़ी जो जिसे कहना चाहिए ना जो डाउनफॉल है हम कहते हैं बैलेंस करो बजट को हम सोचते हैं लोग समझ गए कि बैलेंस बजट क्या चीज़ है नहीं लोगों को समझाओ कि बैलेंस बजट से लोगों को क्या फ़ायदा है uh -huh. एक तरफ आपने कहा ये बंदा है इसको पंद्रह डॉलर की सैलरी चाहिए क्या डिजर्व नहीं करता है यस एवरीबॉडी डिजर्व फिफ्टीन डॉलर में बी ट्वेंटी डॉलर राइट लेकिन इसको आप रिस्ट्रिक्टेड ना करें होता ये अगर आपको एक एग्जाम्पल दो किसी भी कॉफी शॉप पर चले जाए राइट ना उसके अंदर पाँच बंदे काम कर रहे हैं पांच बंदों उनको तीस तीस घंटे मिल रहे हैं बारह तेरह डॉलर के हिसाब से अब हुआ यह है कि मिनिमम वेज कर दिया आपने पंद्रह पंद्रह डॉलर का मतलब पता है क्या होता है पंद्रह डॉलर तो आप उसको दे रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उसके सोर्स टैक्सेस हैं जो एम्प्लॉयर बेरी करता है पंद्रह डॉलर का जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉयर को इस कॉस्ट टाइम मोर देन थर्टी डॉर्स क्योंकि उनको टैक्सेस देने हैं उसका सी आई पी देना है उसके ऊपर डब्ल्यू सी बी देना है उसके ऊपर उनको परसेंटेज बेस्ड ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है तो वो एक चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है तो करता क्या है वो कहता है दो काम होते हैं एक तो ये होता है उसका पहले तो चार इम्प्लॉँ हैं मैं ऐसा करता हूँ दो बंदों को पंद्रह देता हूँ दो को ले ऑफ कर देता हूँ आपने उन दोनों से भी तो अपॉर्चुनिटी ले ली ना सर जी उसको कैसे आप बैलेंस करेंगे उसके बाद आपने क्या करा आपने लोगों की डिस्पोजल इनकम कम कर दी अन्प्लॉयमेंट आपने क्रिएट कर दिया सोर्स टैक्सेस आपने बढ़ा दिया फ़ायदा क्या हुआ तो ये जो एक लाख जो ले ऑफ हुई है अलबर्टा में अगर आपकी सरकार होती तो क्या लोगों को नौकरी मुहैया कराती देखिए अगर आप हमारी सरकार होती इफ़ की बात है लेकिन क्योंकि हमारे पास एक प्लान था हाँ आपको मैं एवरी एल्बर्टन को मैं चैलेंज करता हूँ जाके 2015 का बजट देखें वी हैव अ प्लान वी नो दैट प्राइसेस इज डाउन थिंग्स आर गेटिंग टफ बट वी मेड द प्लान हाउ वी गोइंग टू रिकवर दैट वी आरइ नॉट गोइंग टू कट डाउन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर बजट क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जॉब क्रिएट करता है आप बजट उठा के देखें इस वक्त इस बजट के अंदर टू का जो बजट है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसे कहना चाहिए अननेसेसरी आइटम है ना इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट मोर देन वन 0.3 बिलियन डॉलर की सैलरी इंक्रीज हुई है आप मुझे बताएं बैड टाइम है किसी के लोगों के पास जॉब नहीं आप लोगों को रेस दे रहे हैं ये क्या है हु यू ट्राई टू मेक हैप्पी इसके साथ-साथ मैं ये भी सुनना चाहूँगा आपसे आपकी सरकार ने एएनआईपी प्रोग्राम बनाया था अल्बर्टा नॉमिनेशन इमिग्रेशन प्रोग्राम वो अभी बिल्कुल डॉल ड्रम्स में है क्या आपकी सरकार 2019 में आती है तो क्या कोई तब्दीली करेंगे डेफिनेटली क्योंकि हमें इस एन प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा हुआ है देखिए जो लोग एन प्रोग्राम से आते हैं जो वर्क आते हैं दे वर्क एक आदमी जब काम कर रहा होता है ना उससे आप देखें आपको चीज़ बताऊँ कि कॉर्पोरेट टैक्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बड़ी सिंपल एग्जांपल है जो लास्ट इलेक्शन में बहुत बड़ा इशू बना था कि इंक्रीज़ कर दो जो कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने इंक्रीज़ किया उससे जो फ़ायदा होता है वो होता है आलमोस्ट एट मिलियन आपको पता कितने है कितने सौ मिलियन अब तक इन्होंने कलेक्ट भी किए कॉर्पोरेट टैक्स को इंक्रीज़ करने के बाद लेकिन उसका नुकसान क्या होता है उसका नुकसान आपके सोर्स टैक्सेस में होता है उसका नुकसान आपकी अनएम्प्लॉयमेंट में होता है अगर वो दोनों चीजें आप कैलकुलेट करें तो अगर एट मिलियन को लाने के लिए द प्राइस यू पे इज़ वन बिलियन इस कस्म के फैसले हम शायद ना करते म, हम ये तो नहीं कर सकते कि हम ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ करते थे बट वी विल मैनेज इट वी विल फाइंड अ वे कि लोगों को किसी तरह एम्प्लॉयमेंट मिले और हम ऐसी पॉलिसी रखें कि हमारे पास इन्वेस्टर आए देखिए इस वक्त इन्वेस्टर जा कर रहे हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो कर रही है सिसकेशन में हो रही है और बी में हो रही है क्योंकि उन्होंने हमारी पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है वो हमारे तर्ज पर चल रहे हैं दे आर डूइंग वेरी गुड हमने 90s का भी रिसेशन देखा है हमने 2005, 2006 का भी देखा है वी सर्वाइव्ड। और चलिए इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारा आवाम है वो ये सोचता है कि जब भी आपके पैर थर, थर थर आते हैं पीसी सरकार के कोई ना कोई नया मखोटा लेके आ जाते हैं <laughs> जिम प्रेंटिस लेके आए थे वो भाग गया उसके बाद आपके जेसन कहनी आ रहे हैं उन्होंने एमपी से रिज़ाइन भी कर दिया है तो ये क्या कर दिखाएंगे आके जहाँ अलबटा में देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की हम, मखोटा की जहाँ तक बात है देखें ए पी में थोड़ी सी ट्रांजिशन चीज़ें रही हैं ऑब्वियसली और उससे कोई डिनाई नहीं करता और आपको पता है टू थाउजेंड ट्वेल्व टू टू थाउजेंड फिफ्टीन जो है वो एक हिस्ट्री मेकिंग टर्म थी जिसे हम कहते हैं सेशन ट्वेंटी एट ना mm -hmm. उसके अंदर कितने प्रीमियर आए और कितने प्रीमियर चले गए एक ऊपर नीचे हो गया एन आई थिंक ये एक टाइम था जो चेंज था उसमें हमने बड़ा सीखा है उससे जिम प्रिंटर्स देखें जिम प्रिंट्स के मी वेरी गुड प्लान लेकिन देखें हम इंसान हैं पी यू मेक मिस्टेक्स एंड आपने देखा होगा कि जब uh, जिम पिटस हैल्सो सेट वेरी ओपनली कि क्या मिस्टेक हमने किए दे अपोलोजाइज एन ओ पी सी ने अपनी तमाम उन चीज़ों पर अपोलोजाइज किया है उसको रेक्टिफाई किया किस विस्टेक एक पोलिटिकल uh, पार्टी है किसी में भी हम हम इंसान है सबसे गलती होती है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाद पार्टी है जो अपनी गलती को रेकगनाइज़ करती है और रेक्टिफाई करती है तो ये देखिए जेसन कैनी जब थे इमिग्रेशन मिनिस्टर भी रहे वो फेडरल और लेबर मिनिस्टर भी रहे काफ़ी हमारी जो आवाम है उनमें नाराजगी है उनको लेके कि आप सोचते हैं कि इस बात का असर उनकी जो इलेक्शन है पीसी लीडरशिप की उस पर असर पड़ेगा यू you नो know, आपने बहुत अच्छी बात की जो जेसन कैनी है उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है देखिए जेसन कैनी से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी रिजर्वेशनस हैं राइट स्पेशली यू नो जैसे हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी उसको बहुत स्ट्रॉग रिजर्वेशन है जैसन कैनी से अबाउट दिस कामेंट वट ही हैव डन एंड ऑल दैट लेकिन आपको बताऊँ कि अगर आप जैसन कहने के साथ बैठें और उससे बात करें वन ऑन वन एंड ही इज़ एक्चुअली हैविंग ओपन चैलेंज टू एवरीबडी क्यों कहता है कि मुझसे स्टैट पर बात करो मुझसे फैक्ट्स पर बात करो मुझ पर नंबर से बात करो ही हैव आंसर फॉर एवरी थिंग तो आप वो जो कह रहे हैं कि पीसी और वाइल्ड रोज इकट्ठा कर देंगे डू यू फील इट इज़ पॉसिबल आई थिंक इट इज़ पॉसिबल देखें ये पहले भी हो चुका है ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है ये चीज़ सस्कैशन में भी हुई थी हुँ? जब आ, जो सस्कैशन पार्टी ऑफ अल्बर्टा है एक्चुअली इट इज़ फॉर्म ऑफ लिबरल पार्टी एनपीसी पार्टी ऑफ सस्कैशन दोनों मिलके के पार्टी बनी और जो अभी लिबरल है वहाँ पर अपने बीसी में वो उसमें भी मर्जर हुआ है आपस में क्योंकि जो सेंटर राइट होते हैं दे, दे सब दे, मर्ज हो जाते हैं उनकी वैल्यूज़ मिलती हैं मुझे लगता है कि जहाँ तक कि पी का और वाइल्ड रोज का है क्योंकि वाइल्ड रोज चेंज देयर पॉलिसी टमेंडस उनकी पॉलिसी चेंज हुई है जब वो आए थे 2012 में उस वक्त की पॉलिसियों में और आज 2016 की पॉलीसी में बहुत फ़र्क है उनके कन्वेंशन जो हैं उन्होंने अपनी पॉलिसियों को जो है बड़ा प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश की है और देखें आ, प्रोग्रेसिव वर्ड कोई ख़राब वर्ड नहीं है और लोग समझते ही है कि अगर दो राइट विंग पार्टियाँ एक हो जाएंगी तो उसके अंदर कंजरवेटिज़म यस नाम हो सकता है कंजरवेटिव पार्टी ऑफ अल्बर्टा हो या जो भी हो राइट बट आप देखें जो जो पॉलिसीज हैं जिस तरह आप अब अल्बर्टा के अंदर टू बी विद यू मैं कहता हूँ कैनेडा के अंदर अब ये डिफिकल्ट है क्योंकि जिस किस्म का जो हमारा मोजे ऑफ दिस कल्चर है वो इतना डिवर्सीफाइड है कि उसके अंदर आप जो है वो एक सोच लेके नहीं चल सकते और आई थिंक जो पॉलिटिशियन है जो डिसीजन मेकर हैं चाहे वो हो चाहे वो फेडरली उन्होंने ये रिकोगनाइज़ किया है एंड आई थिंक दोनों राइट विंग पार्टी हैं बिलीव इन फिजिकल कंसर्वेज हु बिलीव कि हमारे बजट बैलेंस होने चाहिए दे बिलीव के यू नो वी हैव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी कि एवरी बड़ी हैव अ राइट टू अर्न एंड लिव हैप्पीली और देखिए एंटरप्रेन्योरशिप है हम बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है जब जब बिजनेस चलेगा जब जब बिजनेस होगा वो चीज़ वेल्थ जो है परकुलेट होती है और इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे पूरे वर्ल्ड में जो है कहीं भी वो पॉलिटिक्स वो धर्म और जात पे आके टिकी है हुँ. तो क्या ये आफ्टर इफेक्ट कनाडा में भी है देखिए ऑब्वियसली बिल्कुल है और ये बहुत सैड पार्ट है क्योंकि ये जो पोलराइजेशन है ना हाँ ये मुझे मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही घिनौनी चीज़ है हमने ये लास्ट फेडरल इलेक्शन में भी देखा और उसके रिज़ल्ट हमारे सामने हैं देखिए ये जो गवर्निंग है हुं? जो अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप जब गवर्निंग बहुत सेकुलर होनी चाहिए हम यू नो वी रिस्पेक्ट यू नो आई पर्सनली रिस्पेक्ट एवरी फेथ बेस्ड कम्यूनिटी फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन फेथ टीचर्स हाउ वी शुड यू नो लिव आवर लाइफ बट फेथ शुड नॉट डेट कि हाउ वी ट्रीट अदर्स फेथ जो है वो एक अपनी विधन है एक मेरी अपना मसला है मैं 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 पूजा करूं, मैं गुरुद्वारे में जाऊं, या मैं मंदिर जाऊं, या मैं मस्जिद जाऊं, या मैं चर्च जाऊं, या मैं कैथलिक बनूं, या मैं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स बनूं, क्या हूं? ये मेरी चॉइस है लेकिन मेरा सोचने का तरीक़ा मेरा देखने का तरीका और सबसे ज़्यादा मेरा पॉलिसी बनाने का तरीका इन चीज़ों से बाल तर होना चाहिए मेरे हिसाब से दोनों पोलराइजेशन जो जो विक्टिमाइजेशन होती है और उसके ऊपर जो रिएक्शन होता है दे बोथ गल्टी तो अभी जो पी लीडरशिप डिक्लेयर होने जा रही है और अगले साल शुरू में ही लीडर कोई ना कोई चुना जाएगा आप किसकी मदद कर रहे हैं <laughs> ये आपने बड़ा डायरेक्ट सवाल कर लिया देखिए मैं मेरी मेरी जो सोच है और जिस तरह मैं देखता हूँ बिकॉज आई वांट दैट अलबर्टन टू बी डेट फ्री हमारे बच्चों के लिए मुस्तिलों का सवाल है क्योंकि जब आपके कम्यूनिटी में हमारे सीनीय का सवाल है बहुत सारे शोशल प्रोग्राम डिपेंड करते हैं क्योंकि जब डेफिसट बढ़ता है तो होता यह है कि आप वो प्रोग्राम ऑफर नहीं कर सकते जो शोशल प्रोग्राम्स हैं अलबर्टा इज़ नोन फॉर दोशल प्रोग्राम हमारा सीनियर प्रोग्राम हमारा यू नो ए दूसरे जो हेल्थ केयर है जो हमारा Uh, 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 जो फार्मास्यूटिकल है जिसके अंदर जो हमारी जो सब्सिडी है फॉर जेनेरिक ड्रग्स एंड ऑल ये डिपेंड करती है इन चीज़ों पे हमारे स्कूल डिपेंड करते हैं इसके लिए हमारे सीनियर्स होम डिपेंड करते हैं हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी हाउसिंग डिपेंड करती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डेट फ्री हूँ एंड आई विल ऑलवेज विल प्रफेयर अ लीडर हाँ क्योंकि पी का मैं हूँ और अभी पी की लीडरशिप हो रही है तो आई एम रिव्यूइंग ऑल द कैंडिडेट सो फार इन माय ओपिनियन इन माय हम्बल ओपिनियन जिसका प्लान मुझे अच्छा लग रहा है जो मुझे लग रहा है कि यस ये इट कैन इट कैन बेनिफिट नॉट मी नॉट एनी ऑस अल्बर्टन ओवरऑल दैट इज़ जैसन कैनी तो देखिए आप पीसी के लीडर हैं और प्रोविंशियल लीडर हैं तो हमारे जो अल्बर्टन आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपकी क्या अपील है या मेरी अपील अल्बर्टन से यही होगी देखें यू हैव टू थिंक अबव एंड बियॉन्ड पार्टीजनशिप नाउ इज़ अ वेरी टफ टाइम इन अल्बर्टा वी आर टॉकिंग अबाउट बाय 2019 ओवर 60 बिलियन डॉलर डेफिसिट सो प्लीज़ स्टार्ट थिंकिंग फॉर योर फ्यूचर

जो यूनाइटेड फ्रंट आ रहा है अल्बर्टा के अंदर दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अल्बर्टन देखिए आप पीपल आर टॉकिंग अबाउट के जेसन कैनी को लेकर बात करें या कंजर्वेटिव को लेकर बात करें कि इनकी पॉलिसी देखिए ये ये ये, ये प्रोविंस है इस नॉट दे डोंट हैव एनी फेडरल पॉलिसीज दे डोंट हैव एनी इमिग्रेशन इशू दे डो नॉट इवन हैव एनी फॉरन पॉलिसी दिस इज ऑल अबाउट सोशल प्रोग्राम प्रोविशल पॉलिटिक्स जो है वो ड्रिवन होती है सोशल प्रोग्राम पे एंड आई कैन गारंटी यू Know, you know, it's, it's very difficult now for anybody hmm, to go and apply that extreme values or extreme way of uh, treating, not recognizing the diverse alberta. so please don't be afraid of that. Ha? and i also believe give everybody a equal chance and let them put their platform and read, make a decision based on in the best interest of alberta. as i say, put alberta first. <laughs> थैंक यू जी थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जितना शुक्रिया जो है हम यू uh, नो you know, आपको जो कैमरे में नज़र आ रहे हैं लेकिन इस कैमरे में नजर आने से पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं और उनका भी बहुत बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया आप नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया कि आपने हारमोनी टी वी को इतनी जो है अप्रिसिएशन uh, uh, दी है और आपका भी बहुत शुक्रिया यस जी uh, राजा अब्बास जो हमारे कम्यूनिटी के बहुत यू uh, नो you know, uh, नामवर लीडर हैं एंड आई रियली एडमायर राजा के हिज़ डिवोशन